मैं आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। आज मैंने देखा है थैंक गॉड का ट्रेलर सुबह सुबह अपलोड किया है अजय देवगन जी ने, टी सीरीज ने अपलोड किया है थैंक गॉड का ट्रेलर। देखने में बहुत एक्साइटेड लग रहा है, कॉमेडी फिल्म है, दिवाली पे आ रही है, दिवाली के टाइम पे कॉमेडी फिल्म अजय देवगन प्लस धार मल्होत्रा प्लस राहुल प्रीत, तो भाई मज़ा तो होने वाला है। क्योंकि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से नए तरीके से दिखाया है। आपने ट्रेलर देखा होगा, ट्रेलर में अजय देवगन वो बने गॉड बने हैं कुछ, और सिद्धार्थ मल्होत्रा मर के उनके पास जाते हैं, तो वो अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं कैसे क्या करना है। तो फिल्म में कॉमेडी नज़र आ रही है, फिल्म में रोमांस नज़र आ रहा है, फिल्म में अजय देवगन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और दिवाली का टाइम है, तो भाई मज़ा बहुत आने वाला है। और ये इसका जो क्लैश है वो अक्षय कुमार की राम सेतु से होने वाला है, तो जो क्लैश है वो बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाला है। अक्षय कुमार की राम सेतु जो मिस्टीरियस मूवी है, और जो अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म है थैंक गॉड, तो ये फिल्म का क्लैश होना और दिवाली के टाइम पे तो एक्साइटमेंट डबल होनी चाहिए, धमाका होगा दिवाली पे दो फिल्मों का। और अभी मुझे लगता है कि राम सेतु का ट्रेलर भी आता ही होगा, क्योंकि थैंक गॉड का ट्रेलर आज सुबह सुबह अजय देवगन जी ने डाल दिया है, और ट्रेलर एक्साइटेड है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, राहुल प्रीत भी। तो देखते हैं कि अक्षय कुमार जी क्या स्टेप उठाते हैं, कब ट्रेलर देते हैं राम सेतु का, तो हमें वेट रहेगा दोनों फिल्मों का, थैंक गॉड का भी, अजय देवगन का भी। दोनों फेवरेट स्टार है हमारे, अजय देवगन भी अपने दम पे बहुत अलग स्टार हैं, अक्षय कुमार भी बहुत बेहतरीन स्टार हैं। तो भाई अक्षय कुमार जी वैसे तो अभी रक्षाबंधन पे होके गए, फिर पृथ्वीराज चौहान पे होके गए, तो वो तो हर दो दो महीने में आते रहते हैं, तो अजय देवगन जी को आए हुए टाइम हो गया है। तो मेरी एक्साइटमेंट पहले अजय देवगन जी को देखने की होगी, क्योंकि अजय देवगन जी को बहुत टाइम से नहीं देखा मैंने थिएटर में, तो थिएटर में रनवे देखी थी मैंने ईद पे, तो लगभग 6 महीने बाद आ रही है उनकी थैंक गॉड। तो पहले मैं वो देखूंगा थैंक गॉड, और देन मैं राम सेतु देखूंगा, और उसका रिव्यू मैं आने वाले टाइम पे दूंगा। बाकी ब्रह्मास्त्र का रिव्यू मैं आपको दे चुका हूं, और दूसरा मैं आपको विक्रम वेदा का रिव्यू भी दूंगा जब विक्रम वेदा आ जाएगी। और कुछ भी होता है बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन या कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो तब के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय।